निकले तो थे हम एडवेंचरस टूर करने के लिए, बट रास्ते के बीच में हमारी गाड़ी खराब हो गई है और ड्राइवर हमको यहाँ जंगल के बीच में छोड़ के गया है और वो दूसरी गाड़ी का अरेंजमेंट करने के लिए गया है। हमने एक्चुअली जो टैक्सी, जो ये सफारी जिप्सी है, वो हमने शेयर पे ली है, हमने चार जन ने मिल के। सो हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं और ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहा है, दूसरी गाड़ी लेके। ये रही वो गाड़ी, देखिए गाड़ी यहाँ पे बीचों बीच खराब पड़ी है। नज़ारा अगर मैं बोलूँ तो मेरे पीछे ये पूरा पहाड़ और ये पूरा रिवर का एरिया है। अगर आप ये पत्थर देख रहे होंगे मेरे पीछे, तो ये पूरा रिवर है। मानसून में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, फिलहाल अभी पानी यहाँ पे बहुत कम है। उस तरफ पानी है और इस तरफ ये ट्रैक रोड बना के ये लोग इस तरफ लेके जाते हैं महाकाल मंदिर और सफारी की तरफ। सो ये आपको है जयंती रिवर बक्सा फॉरेस्ट के अंदर। यही रिवर मानसून में बहुत बड़ा हो जाता है, फिलहाल थोड़े कम एरिया में ये बह रहा है। पर गाड़ी है ख़राब, गाड़ी वाला अभी गाड़ी लेके आएगा, तब हम जाएंगे आगे। तब तक आप ये रिवर और यहाँ का व्यू। और करीब हाफ एन आवर के वेट के बाद हमारा ड्राइवर गाड़ी लेकर वापस आ चुका था और इस गाड़ी के लिए हमने पे किया 300 रुपीज पर हेड। जयंती में हम लोग कर रहे हैं सफारी और जा रहे हैं महाकाल मंदिर। दिस इज आवर सफारी कार और मज़ा कुछ अलग। ये रहा व्यू यहाँ का। यहाँ पर जब आप आएंगे तो 3-4 स्पॉट है घूमने के लिए। या तो आप जा सकते हैं वॉच टावर, या आप जा सकते हैं सफारी राइड पे, और आप जा सकते हैं सफारी राइड के साथ साथ महाकाल मंदिर देख। तो हम जा रहे हैं महाकाल मंदिर और सफारी राइड साथ में कर रहे हैं, तो देखते हैं एडवेंचरस राइड है कौन सा, जहाँ पर मिलता है कि नहीं मिलता है। बिकॉज़ ये जो टाइम है अभी आफ्टरनून का है, मोस्टली आफ्टरनून में जो एनिमल्स होते हैं वो रेस्ट करते हैं। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और जैसे जैसे इस सफ़र की ओर हम आगे बढ़ रहे थे, तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पता चल रहा था, जैसे कि छोटा महाकाल और बड़ा महाकाल, ये दोनों मंदिर भूटान के अंदर आते हैं। और इस जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, इसे क्रॉस करके आप ट्रैक करते हुए भूटान पहुंच सकते हैं। महाशिवरात्रि का टाइम छोटा महाकाल और बड़ा महाकाल जाने के लिए बेस्ट माना जाता है, और उस वक्त आप भूटान पुलिस और इंडियन पुलिस को एक साथ देख सकते हैं, लोगों को फैसिलेट करते हुए, और वहाँ पर बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जाता है। हम लोग पहुँच चुके हैं छोटा महाकाल मंदिर के पास, और यहाँ पे भी थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है। जंगल के बीच में ये शिव जी का मंदिर है। छोटा महाकाल और बड़ा महाकाल दो मंदिर हैं यहाँ पे, लेकिन बड़ा महाकाल अभी नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता बंद है। और कुछ पोर्शन यहाँ का भूटान में भी आता है, और अभी हम लोग जा रहे हैं छोटा महाकाल। और ये मेरे पीछे का नज़ारा। इस रास्ते से ट्रैक करते हुए हम जा रहे हैं महाकाल मंदिर। ये
इस मूवमेंट पे टेक्निकली हम भूटान एंटर कर चुके थे और यहाँ से कुछ कदम आगे था एक वाटरफॉल जिसका पानी भूटान की पहाड़ों से आ रहा था। ये नदी में अभी मैंने मुंह धोया, पानी पिया, बिल्कुल मीठा और ठंडा पानी। ये है वो रिवर जो जंगल में जानवर जिससे पानी पीते हैं, ऑब्वियसली एकदम नीट एंड क्लीन पानी है, बिल्कुल साफ पानी है और फ्रेश लग रहा है। अभी ठंडा पानी है और एकदम फ्रेश क्रिस्टल क्लियर पानी है। ये रिवर के बीच में मैं खड़ा हूँ, ये अभी अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। एक्चुअली ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड था बट इसको और अच्छे से सजाया जा रहा है। मंदिर जाने का यही रास्ता है, ये ब्रिज क्रॉस करके ही जाना पड़ता है और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा। फील बहुत अच्छा है यहाँ का, जंगल के बीच में नदी के किनारे आप खड़े हैं और इतना अच्छा व्यू है चारों तरफ, ये देखिए। ये इस तरफ महाकाल मंदिर चला जाता है, ये जंगल, ये नदी आ रही है और मैं बिल्कुल मज़ा ले रहा हूँ आज। लेपचा का बक्सा टाइगर रिजर्व में ये जयंती बहुत बढ़िया है, आपको आना चाहिए। आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर आइए और विज़िट कीजिए। जयंती एंटर करते ही आपको राइट हैंड साइड पे दिखेगा एक चेक पोस्ट, जहाँ से लेना है आपको आपकी जंगल सफारी की बुकिंग और साथ में एक टूरिस्ट गाइड। वहीं पर आपको दिखानी पड़ेगी आपकी एंट्री टिकट जो आपने ली थी टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर से। तो यहाँ की जर्नी एंड करने का वक्त आ गया है, मैं खड़ा हूँ अभी जयंती में और बहुत मज़ा आया यहाँ पर आके। यहाँ पर वो एडवेंचरस जिप्सी राइड करके और छोटा महाकाल मंदिर जाके। सो अब एंड करते हैं इस जर्नी को, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी टाइम हो गया है 3 o'clock और मुझे जाना है यहाँ से सिलीगुड़ी। सो इट विल टेक मोर 4 hours। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक हमेशा की तरह ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए हमारे इस चैनल दैट वन डे को। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। और आई होप कि आप लोगों को जो ये मैंने बक्सा टाइगर रिजर्व पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की वो अच्छा लगा होगा। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। Everything is not